नमस्कार, एनवीसीएन की खास मुलाकात इस कार्यक्रम में मैं रत्नाकर आपका स्वागत करता हूं। प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। गए कई महीनों से, लगभग 1.5 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, हम कोरोना से जूझते रहे। क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके लिए कई चीजें हमारे से सामने से गई। कई ऐसे मौके भी आए कि जब किस अवस्था से ये दुनिया जा रही थी, ये बड़ा एक संकट वाला माहौल था। लेकिन इससे भी आगे एक अपना विश्व रहता है, अपनी जिंदगी रहती है, और इस आने वाले जिंदगी का सामना करने के लिए जगह हम अगर किसी एक्सपर्ट से सलाह लें, एक्सपर्ट्स की माने, तो ये जिंदगी जीना ऐसे माहौल में भी थोड़ा बहुत आसान हो जाता है। आज मौका है डॉक्टर्स डे का, और आज इस डॉक्टर्स डे के मौके पर हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे स्टूडियो में डॉक्टर अशोक अर्बट हमारे साथ में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते। नमस्ते डॉक्टर अशोक अर्बट जी, के बारे में बता दो कि आप सीनियर अपलमोलॉजिस्ट हैं और फाउंडर, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर क्रेज हॉस्पिटल के, और उसके साथ ही आप विदर्भ हॉस्पिटल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। एक लंबा अरसा मेडिकल प्रोफेशन के साथ और लोगों की सेवा में गुजरा है। डॉक्टर साहब, मैं सीधे आपसे सवाल पूछूंगा कि जो इतना समय बीता है, बहुत ही पैंडेमिक सिचुएशन थी, बहुत ही भयानक सिचुएशन थी, आप अपने पेशे के नज़रिए से इसका कैसे आकलन करते हैं? जो भी समय गुजरा है वो तो काफ़ी डिफिकल्ट था जी, क्योंकि इस प्रकार का पेंडेमिक ना हम में से किसी ने देखा था जी, जो कि बहुत 100 साल पहले आया था, और उसके बाद में भी काफ़ी सारी बीमारी आई, HIV की बीमारी आई जो काफ़ी हद तक लोगों को तकलीफ दी। फिर स्वाइन फ्लू की बीमारी आई, इस बीच में मलेरिया, डेंगू, कई सारी ऐसी बीमारी आई कि जहाँ लोगों को काफ़ी परेशानी हुई। लेकिन सभी लोगों को एक टाइम दुनिया भर में परेशान यदि किया होगा जी, तो ये कोविड वायरस ने किया जी। बिल्कुल, न भूतों न भविष्यति, हाँ, ऐसी अवस्था से हम लोग तो शुरू में, जैसे कि आप थोड़ा पीछे जाओगे जी, गए साल यानी 2020 की शुरुआत फरवरी में, तब हम लोग पढ़ते थे, कई न्यूज़ देखते थे, कई टीवी पे देखते कि चाइना में क्या हो रहा जी, और फिर उसके बाद में देखा इटली में क्या हुआ, स्पेन में क्या हुआ और ब्रिटेन में क्या हुआ। ये सब चीज़ें देखने के बाद हमें एक डर तो पैदा हुआ था जी, बिल्कुल, कि इस प्रकार की स्थिति यदि इंडिया में आती है क्या होगा। चर्चाएं भी होती थी उस दौर। लेकिन हम इमेजिन नहीं कर पाए कि आने के बाद जो हुआ वो हमारे इमेजिनेशन के बाहर काफी बाहर था जी। उसके प्रमुख कारण ये है कि जो आया वो इतना वाइड स्प्रेड था, और जिस तरह की सुविधा होना चाहिए जी, प्राथमिक सुविधा जो कि प्राइवेट में हो या पब्लिक सेक्टर में हो, दोनों तरह कुछ खास प्रिपरेशन नहीं थी या हमें आकलन नहीं था उस स्थिति का कि ये भी हो सकता है। और पहली वेव में तो डर था, वो डर धीरे धीरे जैसे नज़दीक गए अगस्त सितंबर तक जी, वो डर भी धीरे धीरे कम हुआ। मैं बात बताता हूँ, ये मेडिकल प्रोफेशन या पैरामेडिकल प्रोफेशन की बात कर रहा हूँ कि जो लोग बहुत ही डरते थे, तो डर में भी तो काम किया लोगों ने, बिल्कुल किया, तो वो डर निकल गया पहली वेव में। लेकिन पहली वेव में अंदाजा नहीं आया कि इसका डिस्ट्रक्शन इतना हद तक हो सकता है जी। पहली वेव से गुजरने के बाद काफ़ी हद तक हम लोग संभल गए थे, हमने हमारी सुविधा भी लाइन पर लाई थी, और जब दूसरी वेव आई तब हम लोग पूरी तरह एक्सपोज हो गए जी। एक्सपोज इस तरह हो गए कि ये हमारा अनुमान नहीं था, उससे ज़्यादा लोगों को इन्फेक्शन हुआ, बेड्स की कमी थी, ऑक्सीजन की कमी थी, और तब पता चला कि असल में एक जिंदगी क्या होती है, और इसका जब कोई जब ये ऐसी स्थिति, भयावह स्थिति आती है तो वो किस प्रकार से आती है। जैसे हम कहते हैं कि एक समुद्र के किनारे बैठे और एक बड़ी लहर यदि आ जाए, और फिर वो हमसे इतनी बड़ी हो कि हमें पता भी ना लगे कि हम कहाँ पे हैं, तो इस प्रकार की जो स्थिति आ गई उसमें काफ़ी समझना मुश्किल था। लेकिन फिर ठीक है, हम लोग समझ गए और हम लोगों ने इसको बहुत पॉजिटिवली लिया है। एज ए डॉक्टर मैं समझता हूँ कि ठीक है,
हमको बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिली, सीखने को मिली, क्योंकि एक सीखना एक बात होती है, दूसरी इस तरह से हम लोगों के लिए कुछ कर पाए, जो स्थिति थी वो स्थिति में सामने आके, क्योंकि डर तो सभी लोगों का था बिल्कुल, लेकिन हम लोगों को तो 24 आवर्स वो पेशेंट के साथ रहना था, उनको देखना था, और फिर हमारे घर वाले लोग, हमारी तो बात छोड़िए, लेकिन हमारे यहाँ जो छोटे कर्मचारी होते हैं, सिस्टर्स होते हैं, वार्ड बॉय होते हैं, बाकी लोग काम करने वाले होते, उनकी स्थिति तो और कमजोर होती है, और उनके घर वाले लोग राह देखते हैं शाम तक कि अभी इनमें कोई हुआ तो जो काम करने गया हाँ, है वो तो इनका क्या होगा वापिस, इसको क्या हुआ, चिंता रहती है वातावरण। तो मुझे तो लगता है कि इन लोगों को, सभी कर्मचारी को और जो पैरामेडिकल स्टाफ, मेडिकल स्टाफ, इनको धन्यवाद देना चाहिए लोगों जी बिल्कुल, कि इतनी गंभीर परिस्थिति में इन लोगों ने इतना बड़ा काम किया कि जो हम सोच नहीं सकते। कहीं पेशेंट के रिश्तेदार भी नहीं आते थे, मिलने के लिए आते नहीं थे, और डेड बॉडी कॉरपोरेशन वाले लेके जाते थे, जहाँ ये लोग दिन रात वो पेशेंट के साथ रहते थे और सोचते थे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर पाऊँ ताकि आदमी फिर से अच्छा हो सके या जिंदा रह सके। ये एक काफ़ी बड़ी मिसाल है ये सब लोगों के लिए कि हमने किस तरह कोई चीज़ को सामने जाना चाहिए और किस तरह का करेज हमें होना चाहिए ताकि यह डर सब लोगों से निकल जाए और फिर से हम सामान्य परिस्थिति पे आ जाए। अब डॉक्टर साहब, स्थिति जो है फर्स्ट वेरिएंट आया, लोगों ने उसको जैसा आपने बताया है पूरे, आप जो जिस तरह से आपने बताया कि, और सचमुच ऐसा ही हुआ है, दूसरी जब लहर आई तो काफ़ी भयावह थी। Yes. और इसमें जो है मौतों के आंकड़े, और खास करके एक यंग जनरेशन जो थी, इस पे काफ़ी इफेक्ट पड़ा हुआ है। तो क्या ऐसे कारण थे, क्या ऐसे हालात थे कि यंग जनरेशन पे इस वेरिएंट का असर इतना ज़्यादा पड़ गया? कारण तो सोचना चाहिए इसके ऊपर, क्योंकि जब तक हम सोचेंगे नहीं तब तक हमें पता भी नहीं लगेगा जी। उचित कारण जो दिए जाते हैं उसमें एक है कि जो वेरियंट था वो वेरियंट इस प्रकार का था कि उसने यंग लोगों में ज़्यादा प्रवेश किया जी। अभी दूसरी बात यह है कि यंग लोग जो भी होते, क्योंकि ये घर के काम करने वाले मेन लोग होते, जिन्हें काम करने के लिए घर के बाहर निकलना ही होता है। शुरू से हमने देखा कि अबोव 60 के लोग थे वो घर में बैठे थे, उन्हें बताया गया था कि आप घर के बाहर मत निकले, आपको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, अस्थमा है, सीओपीडी है, कैंसर है, किडनी की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, तो आप घर के बाहर मत निकले क्योंकि आपको ज़्यादा चांसेस है और होने के बाद आपकी स्थिति खराब हो सकती है। तो ये लोगों ने तो प्रोटेक्शन के तौर पे घर में रहना सीख लिया, और फिर घर में जो एक्टिव लोग कौन थे, तो यंग लोग, यंग लोग, तो इन लोग बाहर थे, ये फील्ड में थे, जैसे कि वॉर होता है और बॉर्डर पे कौन जाता है, बॉर्डर पे वही यंग लोग जाते हैं, जिन्हें वो तजुर्बा होता है और वो जिनमें वो जोश होता है करने का, तो वो जैसे हम समझे कि ये वॉर फ्रंट पे ये लोग थे जी बिल्कुल, जिन लोगों पे असर हुआ। और दूसरी आप ये चीज़ देखोगे कि यंग लोगों में ये भी होता है कि वो कोई चीज़ को मानने के लिए जल्दी तैयार भी नहीं होते। कई सारे यंग लोगों का ऐसा सोचता कि हमें कुछ नहीं होता है, होगा तो दूसरों को होता है, हमें कुछ नहीं होगा, तो इसका ना इन लोगों के एडमिशन भी लेट हो गई। इन्होंने 5-10 दिन वो जो कोविड का इन्फेक्शन था वो वैसे ही खुद ही इतना ज़्यादा सीरियसली लिया नहीं और खुद होके थोड़े लेट हॉस्पिटल में गए, या ऐसा समझिए कि जो चीज़ को जल्दी ध्यान देना चाहिए था उस पर लेट ध्यान दिया। तो ये सब चीज़ें बताती है कि कहीं ना कहीं वायरस भी रिस्पॉन्सिबल है और कहीं ना कहीं हम लोग भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इसी का नतीजा हुआ कि ये सेकंड वेव में यंग लोग जो थे वो काफ़ी सारे इन्फेक्टेड हो गए और उनको हम बचा नहीं पाए। बिल्कुल सही बात, बचा नहीं पाए, वो तो एक आपने कोशिश ही तो डॉक्टर साहब पूरे मेडिकल फोर्स ने बहुत की हाँ। और हमने भी देखा है कि कितने तादाद में पूरा मेडिकल फोर्स और पैरामेडिकल फोर्स जुटी हुई थी लोगों को बचाने के लिए। लेकिन इसके दौरान जैसे हम सेकंड वेव के बारे में बाद में जिन लोगों ने इसका इलाज किया था उनको और कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उन्हें म्यूकरमाइकोसिस कहिए या ब्लैक फंगस कहिए, इनको भी फेस करना पड़ा। तो ये भी एक आपके लिए, एक मेडिकल प्रोफेशन के लिए एक अलग चैलेंज हो गया जो आज भी चल रहा है। हाँ, ये तो अलग चैलेंज है। देखिए, गए साल जिनको अगस्त सितंबर में कोविड हुआ था, ऐसे यंग लोग आज भी हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि भाई मुझे छाती में दर्द हो रहा जी, मुझे श्वास की तकलीफ हो रही, मुझे रात को नींद नहीं आती, जहाँ तक हो सके
कम से कम 9-10 महीने हो चुके हैं ये घटना को, और उनको सीरियस बीमारी नहीं थी, फिर भी अभी तक लोग कंप्लेन करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड अ इम्पैक्ट, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, क्योंकि ये चीज हम देखे हैं कि लास्ट अगस्त से आज तक हर दिन सुबह शाम रात हम लोगों ने कोविड और कोविड की न्यूज़ सुनी है। बिल्कुल, पेपर में भी वो देखा है, टीवी में भी वही देखा है, व्हाट्सएप में भी वही देखा, हमने बात भी वही की। तो हमारे मन पे और शरीर पे इसका इतना ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट हुआ कि एक प्रकार का डर हम तैयार हुआ। और जैसे सेकंड वेव में हम आए, और सेकंड वेव में आने के बाद जिस तरह का इन्फेक्शन हुआ लोगों को, उसमें पहला तो इम्पैक्ट जो है ये लंग्स पे आता है, क्योंकि तुम्हारे जो फेफड़े होते इसका इन्फेक्शन होता है, तो लंग्स खराब होना, वो सिकुड़ जाना, उसके ऊपर सफ़ेद दाग आ जाना, और फाइब्रोसिस होना कि लंग की इलास्टिसिटी कम होना, ताकत कम होना, ताकि लंग्स ऑक्सीजन जनरेट नहीं कर सके। जी, तो लंग फाइब्रोसिस एक हमने देखा कि जो पहले इतना कॉमन नहीं था, आज वो बहुत कॉमन हो गया। बहुत लोगों को आज 6-6 महीने हो गए लेकिन घर में ऑक्सीजन लगा रहे हैं, ज़्यादा बाहर जा नहीं सकते, घर के घर में रह सकते हैं, कुछ लोग तो ऐसे कि जो बैठ सकते हैं और ना चल सकते हैं। तो लंग फाइब्रोसिस एक हुआ। बहुत सारे लोगों में आपने सुना होगा ब्लैक फंगस है, वाइट फंगस है, म्यूकरमाइकोसिस है, एस्परजिलोसिस है, ये इन्फेक्शन हुए। अब ये इसलिए हुए कि उसके भी कुछ कारण हैं। एक कारण ये है कि सेकंड वेव में जो जो कोविड का वायरस था उसका सीधा असर शायद हमारे डायबिटिक स्टेटस पे हुआ, और बहुत सारे लोगों को जो डायबिटीज नहीं था वो सामने आ गया, या जिन लोगों को मालूम नहीं था वो डायबिटीज मालूम पड़ा और काफ़ी हद तक बढ़ गया। और फिर इसमें जो दवा दी जाती थी और फिर जो ट्रीटमेंट थी और सभी चीज़ें मिला के इन लोगों को फंगस इन्फेक्शन हुआ। कई लोगों को फंगस इन्फेक्शन हुआ जो कि नाक में हुआ, साइनसिस में हुआ, ब्रेन में हुआ, आँख में हुआ। कई लोगों को जो फंगस इन्फेक्शन हुआ वो लंग्स में हुआ। तो एक फंगल इन्फेक्शन का एक दौर आ गया। तीसरा है कि करीबन 30-40% लोग ऐसे हैं कि जिनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हुए जी, इसके कारण आज भी उन्हें कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, रात में नींद नहीं आती, उन लोगों को एंग्जाइटी है, कुछ लोगों को डिप्रेशन है, कुछ लोग सही तरह से सोच नहीं पाते, कुछ लोगों की याददाश्त पुरानी जैसी नहीं रही। हाँ, उसके बाद में पोस्ट कोविड माइल्जिया जिसको कहते हैं, जॉइंट पेन जिसको कहते हैं, बहुत सारे लोगों को आज भी उठने बैठने में तकलीफ होती है, जॉइंट पेन होता है। फिर कुछ लोग पोस्ट कोविड कई सारे अलग अलग बीमारी से जुड़े हुए हैं, कुछ लोगों के पास एनर्जी नहीं है, कई लोगों में पोस्ट कोविड स्ट्रोक हुआ है या हार्ट अटैक आए हैं, क्योंकि खून गाढ़ा होने के कारण, खून में गठान होने के कारण कई सारे कॉम्प्लिकेशन। तो ऐसे बीमारी एक और कॉम्प्लिकेशन बहुत सारे शरीर में, हर जगह ये कॉम्प्लिकेशन देखे गए, और इसी कारण लोग परेशान है। और अभी जो ज़्यादातर लोग आ रहे वो लोग हैं कि कोविड हो चुका है लेकिन कोविड के बाद में के जो दुष्परिणाम जिसको हम कहते हैं, बैड इफेक्ट्स जो कहते हैं, उनके शरीर में अभी भी है, और ये इतने जल्दी जाने वाले भी नहीं है। कुछ लोग 3-6 महीने में ठीक हो जाएंगे तो कुछ लोगों को ज़्यादा भी समय लगेगा, बट हमें याद रखना है। और इसके पीछे और एक कारण ज़्यादा है कि इसका फिजिकल इम्पैक्ट से साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हुआ है। जी, तो ऐसे वक्त हम क्या ये माने कि हम लोगों ने भी जब हम ट्रीटमेंट लिए ऐसे, तो लोगों ने भी थोड़ा सा पॉजिटिवली लेना चाहिए अपनी सेहत को कि मुझे ठीक होना है या किस तरह। हाँ, एक पेशेंट थी, यंग पेशेंट थी, 30 साल की, जो कि मेरे ख्याल से 40 दिन या 45 दिन के बाद अच्छी हो गई। तो शी वॉज वेरी पॉजिटिव, क्योंकि उसको एक लड़की थी, उस लड़की के लिए जीना था उसको, तो वो काफ़ी पॉजिटिव थी तो वो अच्छी हो गई। और जो लोग पॉजिटिव सोचते हैं वो अच्छे होते हैं, बट निगेटिव इम्पैक्ट क्यों आता है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर हमारी सोच में हम एक ही एक डिस्कशन करते हैं। कई बार मैंने मेरे पेशेंट को समझाया कि आपका अभी छुट्टी हो रही है, आप घर जा रहे हो, तो घर जाने के बाद आप कृपया टीवी पे कोई भी कोविड की न्यूज़ मत देखिए, आप पिक्चर देखिए, आप नाटक देखिए, आप गाने सुनिए, एक अच्छा एंटरटेनमेंट कीजिए, आप कुछ करिए। पेपर में भी आप वो हिस्सा छोड़ दीजिए जो कोविड के बारे में दिया है, बिल्कुल उसके मत, और ना किसी से बात करिए। लेकिन अक्सर मैं जहाँ पे भी गया, जिन लोगों से मिला, वहाँ पे कोविड छोड़ के और लोगों ने कोई डिस्कस नहीं किया। और छोटी सी शुरुआत कि ये लोकेलिटी में इतने पेशेंट है, वहाँ पे इतने पेशेंट है, उसका ये हुआ, इसका
ये सब चीज़ें जो है हमारे मन पे बहुत सारा नेगेटिव इम्पैक्ट लाती है, और नेगेटिव इम्पैक्ट के कारण हमें जो पॉजिटिविटी होना चाहिए जी वो जी पॉजिटिविटी हमारी पीछे रह जाती है, और जिस कारण भी हमारी जितनी हमें सुधारना होना चाहिए, वो आउटकम अच्छा होना चाहिए, वो होने में थोड़ी दिक्कत जाती है। डॉक्टर साहब, इसके पहले कि अब आने वाले जो अभी भी हमारे बीच में एक डर बैठा हुआ है कि आने वाले में कुछ डेल्टा वेरिएंट की अगर हम बात करें, इसका भी एक डर बैठा है, लेकिन उसके पहले सर हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आपकी जो जर्नी थी इस मेडिकल प्रोफेशन की वो कैसी थी। जैसे कि हम बात करें कि क्रिम्स हॉस्पिटल एक नागपुर वासियों के लिए एक बहुत अच्छा एक ऐसी जगह है जहाँ पे वो एक आशा के साथ में जाते हैं, बहुत सारे ठीक भी हुए हैं, आपने खुद कई पीढ़ियाँ बनाई हैं डॉक्टरों की, और आपसे बात करते हो भी हमें पता चला, तो क्यों ना हम आपकी उस जर्नी को भी हमारे दर्शकों से रूबरू कराएं, इस बारे में बताइए। हमने जो आज हमारे हॉस्पिटल को करीबन 25 साल, जी 24-25 साल हो रहे हैं, और मैं जैसे कि मैं खुद पल्मोनोलॉजिस्ट यानी कि छाती रोग तज्ञ, और जब हमने सोचा कि एक जगह पेशेंट की ट्रीटमेंट होना चाहिए, शुरू में नागपुर में ऐसा था कि पेशेंट सवेरे आते थे, शाम तक रुकते थे, और रात में उन्हें कहीं रुकने के लिए सुविधा नहीं होती, नहीं तो वो हॉस्पिटल के प्रीमाइसेस में सोते थे। कई लोग तो कहीं पे भी फुटपाथ पे भी सो जाते थे, क्योंकि रात को 9 बजे के बाद दवाखाने बंद हो जाते थे, और फिर उन्हें कोई और एक पेशेंट को 4-5 डॉक्टर के पास जाना होता, जाना कहीं पड़ता। पैथोलॉजी के लिए अलग, एक्सरे के लिए अलग, ये डॉक्टर अलग, वो, तो उसमें उसका काफ़ी टाइम बर्बाद होता था। तो ये सोचते हुए हमें ये ध्यान में आया कि ये हमारे गांव के लोग हैं जी और इन्हें बहुत मुश्किल से ये सब सुविधा नहीं मिलती है, काफ़ी भटकना होता है, हाँ, समय परेशानी है जाता है। अपने आप हाँ, में, कोई तो अच्छा फिर जगह हमने भी पता सोचा नहीं होती क्यों ना कहाँ जाना है। एक जगह एक ऐसा हॉस्पिटल बनाए जी जहाँ पे सभी लोग आए, सवेरे आए और दिन भर वहीं बैठ के लास्ट में रिपोर्ट लेके अपने खुद चले जाए, उनको कहीं जाने की जरूरत ना पड़े, जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, परेशानी ना परेशानी हो। भी नहीं, क्योंकि यहाँ से वहाँ चौक पे जाए तो ऑटो रिक्शा के उनको 50 रुपये देना होते थे, और पता नहीं होता था, बिल्कुल ढूंढने में मुश्किल जाती थी, डॉक्टर के समय अलग अलग होते थे, डॉक्टर के यहाँ पहुँचने तक डॉक्टर घर निकल जाते थे। तो ये सब चीज़ समझ के हमने एक हॉस्पिटल बनाया, और हमारे यहाँ जो हॉस्पिटल है मेन, हमारा पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट है जी जो कि इसी से संबंधित है, जी लंग से लंग संबंधित से है। संबंधित और आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ जब स्वाइन फ्लू आया था जी 2014-15 में, तो जी स्वाइन फ्लू के लिए हमने काफ़ी अच्छा काम किया था, और काफ़ी सारे पेशेंट स्वाइन फ्लू के लिए क्रिम्स में आते थे, एडमिट भी होते थे, और स्वाइन फ्लू के लिए हमारा एक सेंटर जाना जाता था। जी तो उसके बाद में वो तो एक्सपीरियंस हमारे पास था कि स्वाइन फ्लू जो बीमारी थी उसमें भी करीबन लंग फाइब्रोसिस होता था और सिमिलर टाइप के था, जैसे सिम्टम्स जो कि थे वो इस वो तरह। इसी तरह थे, और ज़्यादातर उसका तरीका ट्रीटमेंट करने का भी इसी तरह था, थोड़ा सा फर्क होगा। तो अभी जब कोविड आया तब हम खुद गैरअप किए हमने हॉस्पिटल में, हमने जितनी भी सुविधा होना जी चाहिए वो की, जी जी पर्टिकुलरली सेकंड वेव के लिए, और जितने भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए, नए नए इंस्ट्रूमेंट, वेंटिलेटर्स, HFNO और मॉनिटर्स, रूम, बेड्स, सभी पूरी तरह हम लोग तैयार थे। और काफ़ी पेशेंट्स का ये था कि फ़ोन आते थे, और हर किसी को लगता था कि हमें क्रिम्स में यदि बेड मिलता है तो दे यूज़ टू बी वेरी हैप्पी। वो एक भरोसा जो है, हाँ, जो उन्होंने उस भरोसा तरह का था, सोचा। क्योंकि हम 4-5 पल्मोनोलॉजिस्ट थे वहाँ जी पे, जी और हम लोगों को करीबन ये अंदाज था कि इसकी ट्रीटमेंट कैसे करना चाहिए, अभी का स्टेटस क्या और लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट क्या होती है। देखिए, कोई भी बीमारी में एक मैनेजमेंट होती है शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट जिसको जी कहते हैं, और दूसरी होती है लॉन्ग लॉन्ग टर्म टर्म मैनेजमेंट मैनेजमेंट, कि ये बीमारी के लॉन्ग टर्म में शरीर पे क्या इफेक्ट रहेगा और इसको कैसे डील करना है। करेक्ट। तो उसके बारे में जितनी भी सुविधा थी वो हमारे पास होने के कारण हम लोग काफ़ी शांति से, और इस पूरे ये दौरान सेकेंड वेव के दौरान या उसके पहले भी हमें कोई पेशेंट से प्रॉब्लम नहीं आए, ना बिलिंग के कोई प्रॉब्लम आए, ना हमारे यहाँ कभी कोई पेशेंट का कोई चीज़ के लिए झगड़ा या कोई ऐसी बहस, ऐसी चीज़ें हुई नहीं। जहाँ तक हो सके हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे, केतकी मैडम थी, इन लोगों ने हमारे से भी ज़्यादा अच्छी काउंसिलिंग की पेशेंट के जी रिश्तेदारों के साथ बैठ के समझा के हर चीज़ बता के, ताकि रिश्तेदारों को एक कॉन्फिडेंस आया था कि जो भी हो रहा है वो ठीक हो रहा करके, जी जी इसीलिए हमें कोई परेशानी नहीं आई, और इसी कारण हम अच्छे से अच्छे रिजल्ट भी दे पाए, और हमें इस बात का काफ़ी ये एक अच्छा भी सुकून महसूस हुआ कि
हमारे पेशेंट काफ़ी हैप्पी थे, उन्हें कोई परेशानी नहीं थी, म्यूकर मोकसिस जैसे कॉम्प्लिकेशंस भी हमारे यहाँ नहीं हुए जी, और ज़्यादातर जहाँ तक हो सके हमने अच्छे से अच्छी कोशिश की पेशेंट को अच्छा करने की, उनके रिलेटिव के साथ एक अच्छा सा बॉन्डिंग ये करने की, या उनके साथ बात करने की, उनको समझाने की, या उनके साथ बात करने की, उनको समझाने की, तो इस बात का हमें एक खुशी है। हाँ, दुख इस बात का है कि बहुत सारे पेशेंट्स को कुछ कारण से हम भी नहीं बचा पाए, बट जितने भी पेशेंट अच्छे हुए हैं शायद हमें लगता है कि उन्हें एक नई जिंदगी मिल गई, और उनके जो वेल फीलिंग्स होंगे वो हमारे साथ रहेंगे। बिल्कुल, मैंने शुरुआत में ही कहा था कि आपके तरफ जो आपने जो भी संस्थान के मार्फत किया क्रिम्स हॉस्पिटल, तो प्रोफेशन के साथ में सेवा भाव का होना जरूरी है। हाँ, तो जो सेवा भाव हुआ उसकी वजह से आपके पेशेंट आपके साथ में खुश है, और एक पेशेंट के साथ में सर पूरा परिवार, हाँ जी, वो परिवार भी कहीं ना कहीं तो हमें शुभकामना देता ही देता ही है। डॉक्टर साहब, चलते हैं आगे। अब फिर एक डर सता है, कहीं ना कहीं हम अगर देखें तो अभी स्थिति वो पूरी कंट्रोल में नजर आ रही है, लेकिन फिर से आपसे रिस्ट्रिक्शंस फिर से लग रहे हैं कि डेल्टा नामक जो वेरिएंट है कोरोना का, उसका अब डर सता रहा है। तो ये सिलसिला कैसे और कब तक चलेगा, या कब खत्म होगा, या किस तरह से हम इसको हमने आगे जाना चाहिए? अभी जैसे कि सेकेंड वेव में हमने देखा था कि यूरोप में, पर्टिकुलरली ब्रिटेन में जी जो वेव्स आई उसके कुछ अंतर से हमारे यहाँ वेव आई जी, क्योंकि उनके यहाँ कोविड की शुरुआत हमसे पहले हुई, पहले तो चाइना में हुई, फिर चाइना से वेस्टर्न कंट्रीज यूरोप में गई, पश्चिमी यूरोप जो है उसमें हुई, तो उसके बाद में हम उनको फॉलो कर रहे हैं। जैसे अभी यूरोप में ये देखा गया है कि उनके यहाँ काफ़ी वैक्सीनेशन हुआ है जी, लेकिन अभी भी डेल्टा वेव के कारण काफ़ी लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है, डेल्टा टू, और डेल्टा टू के कारण उन्होंने फिर से वो रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं लोगों का। अभी तो ऐसा है कि यूरोप में ब्रिटिश लोगों को ज़्यादातर जगह आने के लिए पाबंदी भी लगाई है कि वो नहीं जा पाएंगे करके, क्योंकि उन्हें डर है कि ये डेल्टा वेरिएंट जो है, अभी डेल्टा वेरिएंट भी काफ़ी कंट्रीज़ में है, ऐसा कहते हैं कि काफ़ी सारे कंट्रीज़ में है, और फिर इसका डर हमें भी है जी। अब हमें डर होने का कारण एक प्रमुख 38 करोड़ है, और डेंसिटी जो है पर स्क्वायर किलोमीटर हमारे यहाँ करीबन 460 लोग रहते हैं, दुनिया भर में जो डेंसिटी है वो 60 से ज़्यादा नहीं है, और हमसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री जो है चाइना, वहाँ पे 160 लोग ही पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं जी, हमारे यहाँ 460 लोग रहते हैं, तो भौगोलिक स्थिति जो है हाँ वो डिफरेंट है। दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ जो बेसिक सुविधा होना चाहिए जी, जैसे कि कोविड के शुरू के पहले की जो सुविधा थी, हमारा जो बजट है कंट्री का बजट वो हेल्थ पे उतना ज़्यादा नहीं, 1% 2% है, बाकी जो पश्चिमी देश है वो करीबन 10% तक हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, पर 1000 पॉपुलेशन डॉक्टर्स ज़्यादा है, बेड ज़्यादा है, हॉस्पिटल ज़्यादा है, तो हम लोग जो है कंपैरेटिवली हाँ, हम लोग उस हिसाब से काफ़ी पीछे, तो ये तरह का नुकसान होना हमारे लिए संभव तो था ही, क्योंकि जितनी पॉपुलेशन है उस हिसाब से हमारे पास सुविधा नहीं थी, और हमने सुविधा के पीछे जो पढ़ना चाहिए था और मजबूती से सुविधा बना नहीं पाया ना थी, वो कुछ कारण से नहीं हो पाई। और दूसरा होता है कि एक तो सुविधा की कमी होना, और दूसरा लोगों में एक प्रकार की शिस्त जिसको बोलते हैं हम डिसिप्लिन होना, तो हमारे इतना वेरिएशन है लोगों में और डिस्पेरिटी इतनी ज़्यादा है जी जी, कि कुछ लोगों को लगता है मास्क पहनना चाहिए, कुछ लोगों को लगता है नहीं पहनना चाहिए, कुछ लोग बोलते कोविड है, उसमें से कुछ लोग ऐसे बोलने वाले कि जो कोविड नहीं, कोविड है ही नहीं, तो ये कई सारे लोगों के कई सारे और परसेप्शन है जी, जी। और दिन रात लोग इसको व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, टीवी पे फॉलो करते हैं, काफी इम्पैक्ट सोशल मीडिया का, सोशल मीडिया का को फैलाने में है, और डल को निकालने में भी है और फैलाने में भी जी, है जी, जी। तो ये जो सिचुएशन है कि पॉपुलेशन ज्यादा होना, सुविधा की कमी होना, और लोगों में एक प्रकार की डिसिप्लिन कम होने के कारण इसको बढ़ावा मिलने में समय नहीं लगता जी। आज भी हमारे यहाँ जो कि 40-50 हज़ार जो पेशेंट डेली निकल रहे हैं, अभी इनमें से यदि डेल्टा वायरस
जैसे कि अभी पता चला कि 40 पेशेंट में डेल्टा वायरस निकले, 40 या 50, उसमें महाराष्ट्र में 21 पेशेंट को निकला, कुछ एमपी में, एमपी के, कुछ केरला के है। तो ये डेल्टा वायरस जो बोलते हैं ये काफ़ी इन्फेक्शियस है, डेल्टा टू पर्टिकुलरली, और ये यदि फैल जाएगा तो फिर से हमारे पास बहुत सारे लोगों को ये हो सकता है। तो ये नहीं होना चाहिए, इसके लिए दो चीज़ें हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा वैक्सीनेशन होना चाहिए जी, जो कि उतनी तादाद पे नहीं हो रहा। दूसरी बात है कि हमने जो हमारे एक जो ये कोविड के लिए जो हमने मास्क पहनना, प्रिकॉशंस या डिस्टेंस रखना, हैंड वॉशिंग करना, ये जो चीज़ें हैं ये उतनी सही तरीके से लोग फॉलो भी नहीं कर रहे। तो एक प्रकार का डर तो है तीसरी वेव का, जो हो सकता है कि अगले 2-3 महीने में इसका हमें पता चले, बट इसके बारे में कोई सही प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा कि ये कब आएगी, कैसे आएगी। हाँ, जरूर पेशेंट तो जो अभी है उससे बढ़ेंगे, लेकिन सेकंड वेव इतने भी नहीं रहेंगे, और हमारे यहाँ जो सुविधा है वो काफ़ी ठीक ठाक है, काफ़ी हाँ, तक तैयार हो चुके हैं। हाँ, तैयार हो चुके हैं, हम उसको फेस कर सकते हैं। फिर भी ये पता नहीं है कि जैसे म्यूकर माइकोसिस जैसे कॉम्प्लिकेशन और कोई कॉम्प्लिकेशंस आते हैं तो फिर वो शायद हमारे लिए एक डिफिकल्ट, एक अलग चैलेंज हो जाए, चैलेंज हो सकता है। डॉक्टर साहब, हम जो डेल्टा आने वाले लहर की बात करें तो उसमें एक अहम बात कही गई है कि इसका असर जो है बच्चों पर ज़्यादा, बच्चे इससे ज़्यादा प्रभावित हो सकते, क्या ये संभावनाएँ हैं? अभी इसकी संभावनाएँ इसलिए सामने आई है कि हमारे यहाँ वो एक क्लास है जिसका वैक्सीनेशन हुआ नहीं है जी, एक बच्चों का ऐसा क्लास है कि जो एक्सपोज हुआ नहीं, क्योंकि आज तक स्कूल शुरू नहीं हुए जी, बच्चे घर में ही थे जी, और उनका घर से ही लर्निंग प्रोग्राम चल रहे थे जी, और उससे जो क्लास था, एडल्ट क्लास था, वो लोग तो बाहर घूमते थे, कहीं ना कहीं एक्सपोजर हुआ है, उनके शरीर में एंटीबॉडीज आई है जी, और कुछ लोगों को कोविड भी हुआ है, और एल्डरली लोग हैं कि जिन्हें वैक्सीनेशन हो गया है, और फिर अभी ये सब सीनियरियों में एक क्लास बचता है कि जो एक्सपोज भी हुए नहीं, बाहर भी आए नहीं, और जिनका वैक्सीनेशन भी हुआ नहीं। तो संभावना ऐसी बताई कि हो सकता है ये आगे आने वाला बच्चों में हो, लेकिन बच्चों की एक अपनी प्रतिकार शक्ति होती है, बच्चों की एक इम्यूनिटी होती है, वो अलग सी होती है, तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादातर इसकी इसका प्रभाव बच्चों में उस हद तक गिरेगा जी, छोटा मोटा जरूर रहेगा बट उतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। मुझे अभी भी लगता है कि इसका इम्पैक्ट आया तो वो एल्डरली पॉपुलेशन पे ही ज़्यादा आएगा, क्योंकि वो पॉपुलेशन अभी भी वल्नरेबल है, और एल्डरली पॉपुलेशन में कई सारे लोग हैं कि जो घर के बाहर निकले नहीं, और कई सारे लोग हैं जिन्होंने अभी तक वैक्सीन भी नहीं लिया। डॉक्टर साहब, आपका मार्गदर्शन मैं समझता हूँ कि दर्शकों ने बिल्कुल दिल से लिया होगा। मौका है डॉक्टर्स डे का, डॉक्टर साहब चलते चलते आप क्या ऐसी बातें हमारे दर्शकों से कहना चाहेंगे, हमें कहना चाहेंगे, जिससे हम आने वाली जिंदगी, एक हेल्दी लाइफ जिसे कहते हैं, वो हम जी पाए, क्या मार्गदर्शन करेंगे? सभी लोगों को निवेदन है कि देखिए कोविड आया और आने के पहले जो डर था वो आज डर कम हुआ है। आप ध्यान से देखिए कि जो भी हेल्थ वर्कर थे, पुलिस वाले थे, या गवर्नमेंट में काम करने वाले कर्मचारी थे, इन लोगों ने दिन रात कोविड में काम किया। ये काम करते वक्त उन्हें भी डर था, लेकिन उन्होंने डर के आगे की जिंदगी जी जी। तो डर के आगे भी कुछ है, हमें इस पे गौर करना जरूरी है कि जो डॉक्टर्स, सिस्टर या पैरामेडिकल स्टाफ या पुलिस वाले लोग हैं या जो भी सरकारी कर्मचारी है, ये यदि आगे आके और कोविड के पेशेंट के साथ, यानी जहाँ तक ट्रीटमेंट करने से डेड बॉडी पहुँचाने तक का काम कर सकते हैं, तो फिर हमें क्यों डर होना चाहिए? ये भी तो हमारे जैसे ही लोग हैं, उन्हें भी जिंदगी है, उनके घर में भी बच्चे हैं, बिल्कुल उनकी भी फैमिली है, तो ये लोग फेस कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं फेस कर सकते? बिल्कुल हाँ, हम भी इसको फेस कर सकते हैं। ये जरूरी है कि हमने हमारे मन में ये तय करना है कि ऐसी कितनी भी डिफिकल्ट आई तो ये डिफिकल्टी को हम जरूर सामने जाएंगे, फेस करेंगे, लेकिन ये सब करते वक्त
हमारा ध्यान रहेगा कि इसका इन्फेक्शन हमको न हो पाए, इसलिए मास्क पहनना, 6 गज की दूरी रखना, सैनिटाइजर का यूज़ करना, और जहाँ पे भीड़ है वहाँ से नहीं जाना या भीड़ इकट्ठा नहीं करना। ये छोटी छोटी चीज़ भी हम कर पाते हैं तो शायद हम आसानी से ये लड़ाई में आगे निकल जाएंगे। और डॉक्टर्स डे पे मेरा यही कहना है कि सब लोगों ने, अभी तक हम लोगों ने हेल्थ के तरफ इतना ध्यान नहीं दिया। अभी तक हमारा ध्यान था हमारा घर अच्छा होना चाहिए, हमारे पास गाड़ी चाहिए, हमारा बंगला चाहिए। देखिए ये सब चीज़ें आपके पास रहेगी जब आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, और हेल्थ अच्छी रखने के लिए आपको ज़रूरत है कि आपने खुद के सेहत की तरफ ध्यान देना चाहिए। उसके लिए आपका खाना सही होना चाहिए, आपकी एक्सरसाइज सही होना चाहिए, आपका मन प्रसन्न होना चाहिए, प्रसन्न और स्वस्थ होना चाहिए। जब आपका मन स्वस्थ रहेगा, प्रसन्न होगा, तो ही आपका शरीर भी काम करेगा। वैसे आपका शरीर काम नहीं करेगा, तो मन और शरीर ये दोनों के मिलाप एक अच्छा होना चाहिए। और ये सोच के हमें ज़िंदगी जीना है कि हम आज स्वस्थ है तो हमारे लिए सब कुछ अच्छा है, पैसा भी हमारे लिए है, घर भी हमारे लिए, सब सुविधा हमारे लिए है। और अभी हमारा शरीर यदि हमसे काम नहीं देता, हमारा हेल्थ यदि काम नहीं देता, तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत मायना नहीं रखती। तो सभी लोगों ने ध्यान देना है कि अपने हेल्थ की तरफ ध्यान रखना ज़रूरी है। जिन लोगों ने हेल्थ का इंश्योरेंस नहीं किया हो उनको हेल्थ का इंश्योरेंस भी करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हमें एक तसल्ली रहती है कि कोई तो भी हमारा खर्चा उठा रहा है। क्योंकि आज प्राइवेट में या कहीं पे भी खुद के इलाज कराना इतना सस्ता नहीं रहा, महंगा हो चुका है जी। तो इंश्योरेंस के तरफ भी ध्यान देना चाहिए और खुद को स्वस्थ रखना चाहिए। स्वस्थ मन एक स्वस्थ शरीर में ही वास करता है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने हमें बताया। सबसे पहले हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपना शरीर स्वस्थ रखें, तो एक स्वस्थ मन भी हमारे साथ में रहेगा। डॉक्टर्स डे के इस आज की खास मुलाकात में हमारे साथ बात कर रहे थे डॉक्टर अशोक अर्भट जी। इन्हें और इनकी पूरी टीम को हम हमारी तरफ से, पूरे दर्शकों की तरफ से डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे दर्शकों से बात करें।